नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। भारतीय सेना के एक जवान ने एक मिशन की शुरुआत की है, जिसमें उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 50 दिनों में 4000 किलोमीटर की दौड़ लगाने का निश्चय किया है। जवान ने 50 दिनों में ये दौड़ पूरी कर कन्याकुमारी पहुंचने का लक्ष्य रखा है। वेलुपी नाम के इस जवान ने गर्व के साथ भारत का झंडा थाम कर श्रीनगर से ये दौड़ शुरू की। वेलु दिल्ली, इंदौर, मुंबई और बेंगलुरु से होते हुए कन्याकुमारी पहुंचेंगे। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज कराना चाहते हैं। मेरा टारगेट सर 47-48 डेज में मेरे को क्लोज करना सर। मेरा टारगेट तो 50 डेज है, फिर भी मेरा 3-4 डेज बिफोर में क्लोज करना मेरे को। तो क्या मैसेज जाएगा इस रन? हाँ, इसमें सर एक मोटो रखा सर, जैसा ग्रीन अवेयरनेस के लिए, और एक वन नेशन वन स्प्रिट। और मेरा टीममेट एक बंदा सा LL मीना करके एक बंदा डेथ हुआ था मेरा इंडिया टीम से, उनके लिए भी ये रन में डेडिकेट कर रहा हूँ। फ्लैग ऑफ के दौरान सेना के कई अधिकारियों और वरिष्ठ सैन्य कर्मियों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने गर्व के साथ उन्हें श्रीनगर से विदा किया। वेलु के इस फैसले पर सेना के बड़े अधिकारियों ने कहा कि उन्हें वेलु पर गर्व है और वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज मुझे मौका मिला है कि उनके साथ बात करने का, उनसे मिलने का। उनसे मैंने काफी बातचीत की है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और उम्मीद करता हूँ कि वो इस मिशन में क्या आगे भी जितने भी मिशन वो करे और उसमें वो कामयाब हो, और उनसे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले और लोग ऐसे ही फिजिकल फिटनेस और के अवेयरनेस में चलते रहे। बता दें कि वेलु अपने स्कूल के दिनों से लंबी दूरी के दौड़ में हिस्सा लेते रहे हैं और भारतीय सेना में शामिल होने से पहले भी कई मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं। वेलुपी का कहना है कि वन नेशन वन स्प्रिट और ग्रीन इंडिया की भावना को बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू की है। वहीं अपने इस पहल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वो 50 दिनों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वैसे तो वो 47 से 48 दिनों में ही इस दौड़ को पूरा करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों को अक्सर ये कहते सुना है कि वो 5 से 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद थक जाते हैं। वो इस दौड़ को पूरा करके उन्हें ये बताना चाहते हैं कि मानव शरीर की कोई सीमा नहीं होती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।